अस्सलाम वालेकुम यार साउज़ बिल्लाह मिनश शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम अल्लाहुम्म सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहिम व आले इब्राहिम इन्नक हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्म बारिक अला मोहम्मद व आले मोहम्मद कमा बारकत अला इब्राहिम व आले इब्राहिम इन्नक हमीदुन मजीद। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि 4 दिसंबर को सूरज ग्रहण बुर्ज कोस में लग रही है, जो कि इस साल की आखिरी सूरज ग्रहण है। यह सूरज ग्रहण बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो मुरतब करेगी, मुख्तलिफ बुर्ज के ऊपर मुख्तलिफ तरह के जो हैं असरात पड़ेंगे। जैसा कि उस वक्त चांद भी बुर्ज कोस में दाखिल होगा, अतारद भी बुर्ज कोस में दाखिल होगा, और उसके अलावा सूरज भी बुर्ज कोस में होगा। तो इस हिसाब से इसके जो हैं बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो मैंने अपने रूहानी और तंजीमी तजिए के मुताबिक इसका इस्तखराज किया है कि अगर आप लोग इससे इसके शर और फसाद और इसके जो नहस असरात हैं या जो नहूसात हैं उसे अगर बचना चाहते हैं तो आप लोग चावल लें, अगर साबित नहीं है तो बहालत मजबूरी आप टोटा ले सकते हैं। इसके अलावा तो इसके लिए चावल लेंगे, गंदम लेंगे साबित, उसको धो के साफ़ करके उसको पानी में उबालना है। पानी में उबाल के पका के और उसमें थोड़ा सा गुड़ बन डालेंगे मीठा करने के लिए, और उसको फिर उतार के ठंडा करके साथ में 9 अदद लौंग और जायफल एक किस्म की हर्बल है, हर्ब है, उसका जो बीज होता है उसके ऊपर छिलका होता है, तो उसका जो छिलका है वो कुछ लेंगे, 1 अदद जायफल लेंगे, उसका छिलका लेंगे, और उसका छिलका जायफल का छिलका और जो लौंग 9 अदद और मीठे चावल, ये आपको ऐसी जगह पे जाना है जहाँ पे परंदे बैठे हों, वहाँ पे अगर कवे हों ज़्यादा तो बेहतर है, और वहाँ पे आपको रख के आना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना। तमाम तर बदअसरात, तमाम तर जो भी असरात साइड इफ़ेक्ट्स होंगे वो सारे इससे जो हैं बातिल हो जाएंगे, और आप लोगों को उससे बहुत सारे फ़वाद हासिल होंगे। इसके अलावा इससे जो हैं नज़रबद, ख़ास तौर पे जब सूरज ग्रहण होती है तो नज़रबद जल्द असर करती है, या हादसात का लोग शिकार हो जाते हैं, या बीमारियां उन पे हमलावर होती हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला के मुताबिक उस टाइम जो है कुछ इस तरह के जो रेज़ नीचे ज़मीन पे उतरते हैं तो वो इंसानों को मुतासर करते हैं और दूसरी मखलूकात भी उससे मुतासर होती हैं। तो तमाम नवसात से बचने के लिए आप लोगों को ये सदका करना है, और इसके अलावा 2, 3, 4 यानि ये जो है अब कमरदर अकरब भी चल रहा है, तो कमरदर अकरब का सदका जो है मैंने पहले ही बताया था कि नमक जो है आपको कहीं के कब्रिस्तान में सदका करके रखाना है। तमाम सदका जात करने के बाद आप लोग गुसल करें, नहाएं और नए कपड़े पहने, तो तमाम जो उनके बदअसरात होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। ये जो सदकात मैंने बताए हैं इसको आम समझ के नज़रअंदाज नहीं कर देना,
बल्कि ये आप लोगों के लिए बहुत ही मुफीद है। इससे हतल वक़्त सहर जादू भी कट जाएगा, नज़र बद भी कट जाएगी, और अगर आपके ऊपर कोई और बंदिश है या कोई सूरज ग्रहण के बद असरात जो हैं वो जिस तरह के जिस बुर्ज को मुतासर करेंगे उस तरीके से उनकी इनसे हिफाजत होगी। तो चावल लेंगे, चावल के साथ गंदम लेंगे, उसको धोने के बाद उसको पानी में पकाएंगे और उसको मीठा करने के लिए उसमें गुड़ या शक्कर डालेंगे। गुड़ या शक्कर डालने के बाद उसको ठंडा करें, 9 अदद लौंग डालें। जो 9 अदद लौंग होंगे वो आपको पकाने नहीं है बल्कि साथ में उसके चावलों के साथ में रखेंगे, और इसके अलावा जायफल का छिलका जो होगा वो आपको रखना है। तो इसकी वजह से तमाम इमराज जो या नज़र बद हो, हसद हो, जो भी असरात बद होंगे वो बातिल होंगे और आप लोगों को इससे जो है बहुत ज़्यादा नफ़ा पहुँचेगा और तमाम मखलूकात खुदा जो है इससे इस्तफादा करेगी। सदका दे जब आप वहाँ पे रख के आएंगे तो पीछे मुड़ के नहीं देखना बल्कि आपको आगे चल के वापस आना है और घर आके गुसल करना है, नए कपड़े पहनना है, और जो पुराने कपड़े हैं उसको धोने के बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि सदका करने का तरीका होता है। अगर आप अपने घर के तमाम अफराद के लिए करना चाहते हैं तो फिर तमाम अफराद के जो हैं सर से वारना है, फर्दन फर्दन हर फर्द के सर से वारना है। और अगर आप कहते हैं कि आपका घर या कोई और जगह जो मुतासर होने का खदशा है तो फिर आप उसमें उसको प्लेट में लेके पूरे घर से घूम के आएं, और 7 मरतबा एंटी क्लाक वाइज घूमने के बाद इसको आप जो है परिंदों को खिला दें तो वो जगह, वो फैक्ट्री, वो कारोबार जो होगा या वो घर जो होगा वो उसकी नाश असरात या बद असरात से महफूज रहेगा। और इसके अलावा क्योंकि सूरज ग्रहण का ताल्लुक जो है वो बंदिश से होता है तो जो बंदिश है ये इससे बातिल हो जाएगी। यानी अगर बंदिश आपको सूरज ग्रहण की वजह से हो रही है तो वो उससे बातिल हो जाएगी और उससे जो है वो उसके जो बदअसरात हैं वो हट जाएंगे। तो इस तरह से आप लोगों को जो है सूरज ग्रहण के दौरान करना है। सूरज ग्रहण के दौरान सूरज की तरफ देखना मना है, सूरज की तरफ देखना मना है, और सूरज ग्रहण के दौरान जो है हमला ख़वातीन एहतियात करें, और सूरज ग्रहण के दौरान जो है बाहर ना निकलें तो बेहतर है, क्योंकि सूरज ग्रहण जो है वो उसके जो रेज़ नीचे ज़मीन पे उतरते हैं वो मुख्तलिफ़ लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म के असरात डालते हैं। किसी को रोज़गार की परेशानी होगी, किसी की आमदनी में बंदिश होगी, किसी के जो है दूसरे मामलात डिस्टर्ब होंगे, किसी के सफ़र में रुकावट डलेगी। तो तमाम नवसात की काट के लिए जब मैंने पूछा तो मुझे मालूम हुआ कि ये इसका सदका है, तो मैंने आप लोगों के भले के लिए इसको आप लोगों के साथ शेयर किया है। खुदा हाफिज़, थैंक यू।